गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं आज आपके साथ अपनी पेटीएम मॉल की कुछ शॉपिंग, जो मैंने इयर रिंग्स की शॉपिंग की थी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। माफ़ कीजिएगा, ये शॉपिंग मैंने जो है 2019 में करी है, बट मैंने इसे कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट कोई बात नहीं, अगर ये प्रोडक्ट के मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आपको किसी को कुछ अच्छा लगे तो आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं आपको दिखाऊंगी कि पेटीएम मॉल से शॉपिंग मतलब क्वालिटी कैसी होती है वहाँ की चीज़ों की, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद पेटीएम मॉल से कभी शॉपिंग उन्होंने की नहीं होगी, या वो करना चाहते होंगे बट उनके मन में कुछ डर होगा या कुछ भी होगा। तो इस वजह से तो मैं बताऊँगी कि मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी है पेटीएम मॉल से। आज मैं आपके साथ सबसे पहले ये इयर रिंग्स शेयर करने चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो ये वाले अफगानी इयर रिंग्स हैं, ये आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा बट इसका कलर ही ऐसा है, क्योंकि ये ब्लैक मेटल या ऐसा कुछ चीज़ों से बना है। तो ये ऐसे ही होते हैं, बहुत ही खूबसूरत डैंगलर्स हैं ये, और ये बिल्कुल भी लाइट वेट हैं, पहनने पर बिल्कुल हैवी नहीं लगते और कोई भी अटायर के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे आपको कोई इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करना हो तो आप इसे पहन सकते हैं। बहुत ही प्रेटी इयर रिंग्स हैं। उसके बाद मैंने और एक इयर रिंग्स लिए थे जो ये वाले हैं, ये कुंदन वाले इयर रिंग्स हैं, पार्टी वेयर, आप देख सकते हो। ये ना थोड़ा सा रोज़ गोल्ड फिनिश में है, ये सिल्वर फिनिश भी नहीं है ना ही ज़्यादा गोल्डन गोल्डन जैसा है, जो एक गोल्डन होता है ना थोड़ा सा अजीब लगता है, वैसा वाला गोल्डन नहीं है, ये रोज़ गोल्ड है। तो ये पार्टी वेयर है, कोई दिवाली वगैरह, मैंने इसको पहना था दिवाली में, बहुत ही अच्छे इयर रिंग्स हैं ये। ये ऐसे प्लास्टिक के बॉक्स में इस तरह से ये आए थे, अच्छी पैकेजिंग थी इसकी। उसके बाद एक पेयर ऑफ इयर रिंग्स मैंने ये लिया था, इनकी क्वालिटी से मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि ये थोड़े से ना काले काले से हो गए हैं, देख सकते हो। ये कॉम्बो था लेकिन बहुत सस्ता था, आई थिंक 59 रुपीज़ में ये दो पेयर थे। ये एक साथ में ये दूसरा ब्लू वाला भी था, और 59 रुपीज़ में ये कॉम्बो था तो मुझे अच्छा लगा। तो ब्लैक मेटल जैसे फिनिश है तो दूर से इतना नहीं मालूम पड़ता, बट अच्छा था, कॉम्बो था 59 रुपीज़ में, इसलिए मैंने ये लिया था। उसके बाद एक ये कॉम्बो मैंने देखा था जो मुझे बहुत पसंद था, ये चार झुमकियों का ये सेट था। ये पहली झुमकी ऐसी देख सकते हो, ऊपर एक मोर जैसा बना है, नीचे झुमकी है ये, फिर ये दूसरी वाली, ये ऊपर कुछ ऐसे गोल टॉप्स जैसा है, स्टड जैसा, उसके नीचे एक झुमकी लगी है, थर्ड वाला ये एक लोटस है। बहुत बार आपने देखा होगा टीवी स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को भी ऐसा वाला स्पोर्ट करते हुए, एक लोटस फ्लावर है, उसके नीचे झुमकी है, और एक छोटा सा ये है, इसमें कुछ स्टार जैसा है और नीचे झुमकी है। तो ये जो सेट था, ये चार झुमकियों का जो ये सेट था, ये मुझे ये कुछ इस बॉक्स में आया था, इस कंपनी का नाम है जेड करीना और समथिंग। मैं ये इनकी क्वालिटी से भी बहुत खुश हूँ क्योंकि साल भर हो गए हैं इन इयर रिंग्स को, इनकी शाइन, इनकी फिनिश, और इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं है ये, पहनने में बहुत अच्छा स्मार्ट लुक देते हैं, हैवी भी नहीं है, और साल भर से मेरे पास है, मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई भी इसकी चमक में, फिनिश में, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले इयर रिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, पार्टी वेयर इयर रिंग्स, ये भी इयर रिंग्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे ये भी हैं, अगर इनके प्राइस को देखा जाए तो अच्छे ये भी हैं, क्योंकि 59 रुपीज़ में मुझे ये कॉम्बो मिला था, तो अच्छे ये भी हैं।
क्योंकि इनकी कुछ फिनिश ही इस तरह की है, आप देख सकते हो। अफगानी ईयरिंग्स ऐसे होते ही हैं, कुछ ब्लैकिश ब्लैकिश फिनिश होती है उनकी। तो ये मैंने कुछ पेयर ऑफ ईयरिंग्स लिए थे पेटीएम मॉल से। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप ले सकते हो। मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिले थे इसलिए मैंने ये ईयरिंग्स उनसे लिए थे। और मैं आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में या आगे किसी वीडियो में आपके साथ अपना ईयरिंग्स का कलेक्शन शेयर करूँगी। होप आप लोगों को पसंद आएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।